हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आपने देखा मेरा फर्स्ट पार्ट, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं सेकंड पार्ट में मैं आपसे मिलूंगी और मैं आपको बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम हुए। सो एक्चुअली यहाँ से जब हम निकले लखनऊ के लिए, तो आधे रास्ते में ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। और इवन हम 4:30 बजे हम सीतापुर से आगे पहुंच चुके थे तो हमारी गाड़ी ख़राब हुई। सो उस वक्त मतलब एक तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम इनफैक्ट पाँच घंटे हम वहाँ खड़े रहे, एज इट इज़ ही खड़े रहे। हालांकि वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प करी, कोशिश करी कि हमारी गाड़ी ठीक हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बट कोशिश बहुत करी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। देन 5.5 घंटे खड़े होने के बाद हमारे एक जानने वाले हैं, वो गए, उन्हें लेके आए हमें। और हालांकि हमने उन्हें बताया नहीं था, पापा ने, क्योंकि वो पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था। हमारे रिलेटिव्स भी कॉल कर रहे थे, कोई बात नहीं हम आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर की दूरी है, हम आ जाएंगे। फिर भी हमने कोशिश करी कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि वो आए। लेकिन फिर भी वो हो नहीं पाया, तो पापा ने अपने फ्रेंड को बोला था आने को, तो उन्होंने भेजा किसी को, वो आए और हमें लेके गए। और हमारी कार एज इट इज़ वहीं पड़ी रही। रात भर तो हमने बहुत चैन से गुजारी, बहुत अच्छी रही, लेकिन वो जो 5 घंटे थे ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करी हमें। इनफैक्ट बच्चे को लेके बाहर बहुत इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सोचो, और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब, तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी और मेरी माँ की तबीयत ना ख़राब हो जाए, जो शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो 5 घंटे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। मेरे लिए वो टाइम हम मेरे लिए बहुत इनफैक्ट मेरी बेटी के लिए भी, क्योंकि बहुत परेशान हो रही थी, मेरी माँ बहुत परेशान हो रही थी। मैं सोच रही थी कि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, कोई मैकेनिक नहीं आ पा रहा था। सो कंपनी वालों को हमने कॉल करे, कंपनी वालों ने भी कहा कि हाँ पाँच मिनट में आ रहे हैं, कह के उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। वरना अगर हमें पता होता कि वो इतनी देर करेंगे तो हम पहले किसी को बुला लेते। 11:30 बजे वो लोग आए और हमें लेके गए अपने साथ में, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हमें। देन उसके बाद ठीक सेकंड डे हमें मम्मी को और भाभी को ड्रॉप करना था, तो हमने ड्रॉप करा। देन उसके बाद मैं चली गई अपनी फ्रेंड कम सिस्टर के यहाँ, वहाँ हम रुके, फिर हम घूमने गए नेक्स्ट डे। और जब हम घूमने गए वहाँ भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। प्रॉब्लम ये कि घूमने के बाद हमने सोचा कि चलो मॉल चलते हैं, सहारा मॉल चलते हैं, तो हंगामा हो गया। सहारा मॉल 8 बजे ही बंद हो चुका था, देन पता चला कि इतना बड़ा हंगामा हुआ है। हम जल्दी 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 अपने घर आए हम अपने रूम पे, ताकि क्लियरली हमें पता नहीं था क्या हंगामा हुआ, लेकिन कुछ ऐसा तो हंगामा हुआ है, ताकि क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा छा गया था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम फटाफट आए, न्यूज़ में हमने सुना कि बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है, और जहाँ हंगामा हुआ था उसी के कुछ दूरी पे हम थे वहाँ पे। तो थोड़ा सा ये सोच के लग रहा था, यार थैंक गॉड हम उधर नहीं गए, अगर वहाँ होते तो क्या होता। मतलब हम आए थे यहाँ कुछ करने, घूमने फिरने, और आज क्या हो गया यहाँ पे। तो यही सब हुआ हमारे साथ, यही सारी प्रॉब्लम्स हुई। हमने सोचा कि वो आपसे शेयर करनी चाहिए। अगर आपके साथ, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, 5 घंटे हम वहाँ रुके, तो वहाँ पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प करी। कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई जान पहचान का होगा तो ही आपकी हेल्प करेगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे किसी से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी, हम किसी को नहीं जानते थे और ना वो हमें जानते थे, फिर भी उन्होंने बहुत हेल्प करी, कोशिश करी। वो अलग बात है कि हुआ नहीं, लेकिन कोशिश बहुत करी उन्होंने। जब हमें देखा बच्चे को साथ लेकर, तो बहुत मतलब सोचते थे क्या करें, कैसे ये लोग, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे उन्होंने आग जलाई, वहाँ पे हमें बिठाया, बच्चे को लिया। तो यही सब
जो उनसे बन सका उन्होंने किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो आपको बिना किसी फ़ायदे के आपकी हेल्प करते हैं, और होना भी चाहिए। अगर कोई मुसीबत में है तो मतलब मुसीबत में है तो इनफैक्ट कोशिश तो करो उनकी हेल्प करने की। तो बस यही कहना था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।